हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुधीर कुमार जैन। वेलकम यू ऑल टू द चैनल मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम लोग 4 मार्क्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। 5 तक हम लोग कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, इस वीडियो में हम लोग उसके आगे देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोला। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीरीज 27 प्लस 24 प्लस 24 21 प्लस, इस तरह से अगर हम लोग ऐड करते हैं, कितने सारे टर्म्स को ऐड करने पर क्या मिलेगा हमें। मस्ट बी एडेड टू गेट द सम 132 मिलेगा। ये एक्सप्लेन द डबल आंसर, डबल आंसर को एक्सप्लेन करना है। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ टर्म्स दो होना चाहिए, मतलब एक नंबर ऑफ टर्म्स, मान लेते हैं कि दो नंबर ऑफ टर्म्स आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। मान लेते हैं एक नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर आ गया एन इक्वल टू 26, एन इक्वल टू एक आ गया 29, तो यहाँ पर दो नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, टू नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहाँ पर दो क्यों आ रहा है ये यहाँ पर एक्सप्लेन करना होगा कि जब यहाँ पर 132 एक बार में सब मिल गया, उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि 129th टर्म तक ऐड किया तब भी हमें 132 ही मिला, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। ये देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, ए का वैल्यू यहाँ पर 27, डी का वैल्यू देखो तो -2 दे रखा है, डी का वैल्यू क्या दे रखा है -3, 24 -27 करो या फिर 21 -24 करो तो डी का वैल्यू क्या आ गया -3। लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर क्या है एन है, और एस एन का वैल्यू क्या दे रखा है 132 आना चाहिए, तो हमें क्या निकालना है एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एस एन इक्वल टू क्या होता है एन बाई टू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो जितने बार भी क्वेश्चन सॉल्व करो उतने बार फॉर्मूला को लिखो, इससे क्या होगा कि फॉर्मूला एकदम से रट्टा अट्टा जैसा हो जाएगा बिल्कुल, तो मतलब कोई कुछ बोले उससे पहले आपका फॉर्मूला निकल जाना चाहिए, ठीक है। तो बार बार यहाँ पर फॉर्मूला को कॉपी करना है आप लोगों को। एस एन के वैल्यू यहाँ पर देखो 132 पुट कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन बाई टू, टू टाइम्स ए जब करेंगे तो यहाँ पर 54 आ जाएगा, प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू यहाँ पर माइनस थ्री है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से अगर -3 अगर कॉमन ले लेते हैं या फिर 3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिल जाता है, चलिए काम करते हैं, यहाँ से -3 को ही कॉमन ले लेते हैं, -3 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर -3/2 हो जाएगा n, और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा -3 कॉमन लेने से ये क्या हो जाएगा n-1 बच जाएगा अंदर n-1, और यहाँ -3 कॉमन लेने से ये क्या आ जाएगा -18 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 132। यहाँ 3 से अगर कैंसिल करो तो देखो कितने टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, 44 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, ये 44 टाइम्स में, या फिर यहाँ से देखो तो ये क्या हो जाएगा, सबको अगर लेफ्ट साइड कर लो तो क्या आ जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 88, दिस इज इक्वल टू ये -n इंटू ये क्या आ जाएगा n-19। अगर सबको हम लोग लेफ्ट साइड लेकर के आते हैं तो ये यहाँ पर हमें मिल जाता है, क्या मिल जाएगा n टाइम्स n-19 प्लस 88, दिस इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन क्या मिल गया n² - 19n + 88 This is equal to 0, ठीक है, ये मिल गया हमें। अब देखो यहाँ से हम क्या करते हैं, 88 को अगर ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर मिल जाता है 8 11 को ऐड करने से 19 मिल जाएगा, n² - 8n - 11n + 88 This is equal to 0। यहाँ से n अगर कॉमन ले लेते तो मिल जाता है n-8, देन -11 कॉमन लेने पर n-8, This is equal to 0। अब n-8 अगर कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा n-11, This is equal to 0। यहाँ से n का वैल्यू क्या मिल गया 8 मिल गया, एंड n का वैल्यू क्या मिल गया 11 मिल गया। यहाँ पर दो बार ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब n का दो वैल्यू क्यों मिल रहा है। देखो जब 8th टर्म निकाल लेंगे ना t8 का वैल्यू में क्या मिल जाएगा a+7d, दिस इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है
ए के वैल्यू है 27, 27 प्लस 27 प्लस यहाँ पर 7 इंटू माइनस 3 दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 27 माइनस 21 दैट इज यहाँ पर 6 मिल जाएगा। टी एट का वैल्यू यहाँ पर हमें 6 मिल जाएगा, ठीक है, टी एट का वैल्यू 6 मिल जाएगा। अब देखो टी नाइन का वैल्यू क्या मिल जाएगा, इसमें एक बार और डी ऐड करेंगे मीन्स माइनस 3 फिर से करेंगे, टी एट माइनस 3 दिस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा। एंड टी टेन करने पर क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। एंड टी एलेवन करने पर क्या मिल जाएगा, फिर से माइनस 3 मिल जाएगा। इस तरह से अगर देखें तो टी नाइन का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, टी नाइन का वैल्यू 3 हो जाएगा, टी टेन का वैल्यू 0 हो जाएगा, एंड टी एलेवन का वैल्यू माइनस 3 हो जाएगा। और इन सब को अगर ऐड कर देते हैं टी नाइन प्लस टी टेन प्लस टी एलेवन तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाता है, 3 प्लस 0 प्लस माइनस 3 तो यहाँ से 0 मिल जाएगा। तो मतलब इसके बाद का यहाँ पर टी एट का मतलब एस एट करने पर भी हमें क्या मिलेगा, एस एट करने पर भी 132 मिलेगा एंड एस एलेवन करने पर भी 132 मिलेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि बाकी का अगर तीन टर्म हम ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू 0 मिल जा रहा है, बाकी का अगर थ्री टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो उसका वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पर, हियर एस एट इक्वल्स टू यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 132 एंड एस एलेवन इज ऑल्सो इक्वल्स टू 132। क्यों होगा यहाँ पर, ये हमें बताने के लिए क्या करना होगा, सिंस यहाँ पर समेसन आर इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक, 9 से लेकर 11 तक, 9 10 11 अगर देखें टी आर दिस इज इक्वल्स टू 0 मिल रहा है। मतलब यहाँ पर टी नाइन प्लस टी टेन प्लस टी एलेवन करने पर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। उसके अगला तीन टर्म को ऐड करने पर हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है, मतलब कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पर एक्सप्लेन करना था, ठीक है, देख लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी हैविंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आर रेस्पेक्टिवली माइनस टू एंड 124। फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है, माइनस टू एंड लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर 124 एंड द सम ऑफ द ए पी इज 6161, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द ए पी एंड आल्सो इट्स कॉमन डिफरेंस, क्या हमें निकालना, नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में ए इक्वल्स टू माइनस टू एंड टी एन इक्वल्स टू 124। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर एन है तो टी एन इक्वल्स टू 124 एंड एस एन इक्वल्स टू 6161। यहाँ पर इतना सारा दिया हुआ है, हमें क्या निकालना है, एन का वैल्यू निकालना है एंड डी का वैल्यू निकालना है, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू निकालना है। इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ से अगर एस एन वाला हम लोग लेते हैं, एस एन इक्वल्स टू क्या है 6161, एस एन का फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं एन बाई टू ए प्लस एल दैट इज लास्ट टर्म, यहाँ पर एल तो यही है लास्ट टर्म 124, ए प्लस एल लिख लेते हैं, चलो ए प्लस एल इक्वल टू 6161, ठीक है। तो यहाँ पर ए एल का वैल्यू यहाँ पर बताया तो एन बाई टू ए प्लस एल अगर पुट करेंगे तो माइनस टू प्लस 124 दिस इज इक्वल टू 6161, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो एन बाई टू ये क्या आ जाएगा 122 दिस इज इक्वल टू 6161, ठीक है। उसे यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 61 मिल जाएगा, n इंटू 61 दिस इज इक्वल टू 6161। यहाँ से देखो n का वैल्यू जब 61 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 101 मिल जाएगा, ठीक है। n इक्वल टू क्या मिल जाएगा 6161 डिवाइडेड बाई यहाँ पर 61 से डिवाइड करेंगे क्या मिल जाएगा 101, ठीक है। n का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, अब हमें क्या चाहिए, d का वैल्यू चाहिए। तो d का वैल्यू हम कहाँ से मिलेगा, तो टी एन इक्वल टू 124 दे रखा है तो वहाँ से a प्लस n माइनस वन दिस इंटू डी, इसका वैल्यू क्या है 124 है। a का वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर, a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो a का वैल्यू दिया है माइनस टू प्लस n का वैल्यू 101 माइनस 101 माइनस 1 करने पर क्या मिलेगा 100 इंटू डी दिस इज इक्वल टू
दिस इज इक्वल्स टू 124, तो 100d इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 124 प्लस 2 126, तो यहाँ से d का वैल्यू क्या मिल जाएगा 1.26। देख लो यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। द nth टर्म ऑफ एन एपी इज पी एंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म इज क्यू, प्रूव दैट इट्स फर्स्ट टर्म इज 1/n 2q माइनस पी एन। ये प्रूव करना, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो द nth टर्म ऑफ एन एपी इज पी, दैट इज क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि टी एन इक्वल्स टू पी, ठीक है, सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स is q, s n equals to q, ये बोला, ठीक है, so that its first term is this। तो यहाँ पर अगर हम लोग एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो क्या मिल जाता है, n by 2, एंड ये क्या मिलेगा, a plus n, लेट कर लेते हैं, लेट a be the first term, ft, चलो a be the first term, आप लोग अच्छे से लिखना, first term, ठीक है। यहाँ पर a प्लस एल अगर देखें, a प्लस टी एन, ये फॉर्मूला हमने देखा था, दिस इज इक्वल्स टू q दे रखा है, अब n बाई टू a प्लस टी एन का वैल्यू, टी एन का वैल्यू है p, दिस इज इक्वल्स टू q, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, a प्लस p का अगर वैल्यू निकालें तो क्या मिल जाएगा, 2/n, 2/n से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा ना a प्लस p इक्वल्स टू 2/n से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2q/n मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, a का वैल्यू निकालना है, तो ये हो जाएगा 2q/n माइनस पी, यहाँ तक कैसे मिल गया, a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 1/n कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा, 2q-pn, और ये प्रूफ हो गया। ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करना है।